मैं अशोक कुमार क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वीडियो पार्ट 5 के माध्यम से लेसन 1 को पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में वीडियो 4 में पॉइंट 3 लीफ एज फूड सोर्स अर्थात पत्ती भोजन के स्रोत के रूप में बता चुका हूँ। आज पॉइंट 4 मैं बताने जा रहा हूँ फ्लावर एज फूड सोर्स फूल भोजन के रूप में। द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन एज फूड। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द फ्लावर्स ऑफ पम्पकिन प्लांट्स कद्दू प्लांट आर ऑल्सो ईटन एज फूड। सम अदर फ्लावर्स विच आर ईटन एज फूड आर जैसमिन ग्लैडियोलस डेंडेलियन एंड सनफ्लावर। अर्थात विभिन्न पौधों के फूलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। उदाहरण के लिए केले के पौधे के फूलों को देश के विभिन्न हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। कद्दू के पौधे को के फूलों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। कुछ अन्य फूल जो भोजन के रूप में खाए जाते हैं वे है चमेली ग्लैडियोलस डैंडेलियन एंड सूर्यमुखी। नेक्स्ट 5 फ्रूट एंड फूड। फल भोजन के रूप में फ्रूट्स आर द राइपेंड ओवरीज ऑफ प्लांट्स। फ्रूट्स आर कॉमनली ईटन रॉ विदाउट कुकिंग। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। साइट्रस फ्रूट्स ऑरेंज लेमन आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। मोस्ट कॉमनली ग्रोन फ्रूट्स इन आवर कंट्री आर गोवा एप्पल पपाया बनाना मैंगो पाइन एप्पल ग्रेप्स पीच बियर पियर ऑरेंज ईटीसी। दी वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो लेडीज फिंगर ब्रिंजल पम्पकिन चिल्ली ईटीसी व्हिच वी ईट एज फूड आर आल्सो एक्चुअली दी फ्रूट्स ऑफ रेस्पेक्टिव प्लांट्स। अर्थात फल पौधों के पकने वाले अंडाशय होते हैं। फल आमतौर पर बिना पकाए अर्थात कच्चे खाए जाते हैं। फल विटामिन खनिज और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। खट्टे फल नारंगी नींबू विटामिन सी से समृद्ध होते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक उगाने वाले फल हैं अमरूद सेब पपीता केला आम अनानास अंगूर आड़ू नाशपाती संतरा आदि। सब्जी जैसे टमाटर भिंडी बैंगन कद्दू मिर्च इत्यादि। भोजन के रूप में हम वास्तव में संबंधित पौधे के फल भी खाते हैं। अगला पॉइंट 6 सीड एंड फूड सोर्स बीज भोजन के भोजन स्रोत के रूप में। सम ऑफ द प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर सीड्स। वी ईट द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एज फूड। फॉर एग्जाम्पल द फूड ग्रेन्स सच एज मिलेट सॉर्गम राइस व्हीट मेज बंगाल ग्राम चना पीज एंड पल्सेस आर इंक्लूड्स इन द कैटेगरी। वी यूज द सीड्स ऑफ व्हीट प्लांट टू मेक फ्लोर आवर मेकिंग ब्रेड चपाती बिस्कुट्स एंड नूडल्स। अर्थात कुछ पौधे अपने बीजों में भोजन का भंडारण करते हैं। हम विभिन्न पौधे के बीजों को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए बाजरा चारा चावल गेहूं मक्का चना मटर और दाल जैसे खाद्यान्न इस श्रेणी में शामिल होते हैं। हम रोटी बिस्कुट चपाती नूडल्स बनाने में आटा का उपयोग करते हैं। गेहूं के पौधे के बीज का उपयोग आटा बनाने में करते हैं। नेक्स्ट 7 शुगर एज फूड सोर्स चीनी भोजन स्रोत के रूप में। सर्टेन प्लांट्स ऑफ सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट द स्टेम ऑफ शुगर कैन इज जूसी। दिस जूस कंटेन्स शुगर कॉल्ड सुक्रोज। क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर ऑब्टेंड फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड
sugarcane juice and is purified. Crystals of sugar are obtained from the concentrated sugarcane juice and is purified by the process of recrystallization. अर्थात कुछ पौधे के कुछ हिस्से चीनी से भरपूर होते हैं. चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है. गन्ने का तना रसदार होता है. इस रस में चीनी, जिसे सुक्रोज कहा जाता है, होता है. चीनी के क्रिस्टलों को गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है और इसे पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है. नेक्स्ट 8, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी. लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफी एंड कोकोआ कंटेंस कैफीन. कैफीन एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, दैट इज व्हाई टी एंड कॉफी आर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. चाय की पत्तियों और कॉफी कोको के बीच में कैफीन होता है. कैफीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है. यही कारण है कि चाय और कॉफी ताज़ा पेय पदार्थ है. बस यहीं तक. अगला पॉइंट कल बताया जाएगा. धन्यवाद.